फुटपाथ वाली एरिया से निकलते हुए हम बोट स्टैंड की तरफ को जा रहे हैं। तो कार पार्किंग वाले एरिया में आ गया हूँ, नैनीताल की मेन कार पार्किंग डीएसए फ्लैट्स के बगल में। इतना भयानक सीजन हो रहा था नैनीताल शहर में भाई, पांव रखने तक की जगह नहीं। हे गाइस, क्या हाल है सभी के? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। था नैनीताल में एक दिन का सीजन था भाई, सिर्फ एक दिन का। और क्या होता है ना, वो एक कहावत नहीं है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ऐसा ही कुछ हो गया नैनीताल शहर में। दो तीन दिन बढ़िया सीजन रहा और दोबारा से अब शांति हो गई है। तो फिलहाल अभी मैं हूँ यहाँ की नगर पालिका के पास, तो शहर का क्या माहौल हो रहा है देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रही यहाँ की खूबसूरत नगर पालिका। तो शाम का समय करीब इस वक्त हो रहा होगा 4 करीब, और ये पूरा ही डीएसए फ्लैट्स ग्राउंड देखो, बिल्कुल सन्नाटे पे दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं लेक साइड की तरफ को, वहाँ का भी माहौल देखेंगे। हल्का फुल्का टूरिज्म है कल के मुकाबले। कल तो इतना भयानक सीजन हो रहा था नैनीताल शहर में भाई, पांव रखने तक की जगह नहीं। और आज एक ही दिन में पूरा ही सिनेरियो जो है भाई, पूरा ही चेंज हो चुका है। डायरेक्टली टेम्परेचर की बात करते हैं, दिन में ये 16 डिग्री के आसपास था, इस वक्त जो है 13 डिग्री के आसपास है, और शाम को जो है 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा है। ठंड दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा ठंड होगी ही। अब बहुत से व्यूअर्स ऐसे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि भीड़ भाड़ शहर में अब कब से शुरू होगी, लाइक 2-4 दिन तो हो गई, अभी 1-2 दिन का हल्का फुल्का सीजन और रहेगा, फिर दोबारा से ऑफ सीजन चला जाएगा। फिर जो दोबारा से शहर में भीड़ होगी वो 15 दिसंबर से बम्पर, जो एकदम यहाँ का जो सीज़न होता है ना, पीक कर जाता है वो दिसंबर मतलब 15 तारीख से, फिर वो 31, फिर जनवरी तक चला जाता है वो। जनवरी का एक हफ्ता ऐसा ही यहाँ पर पीक सीजन रहता है पूरा। फुटपाथ वाली एरिया से निकलते हुए हम बोट स्टैंड की तरफ को जा रहे हैं। तो नैनीताल सामने लेक 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 में भीड़ भाड़ दिख रही है, ठीक है, खैर अच्छा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आज नैनीताल शहर खाली हो गया है, बट ये है कि अगर 3-4 दिन के मुकाबले आज की बात करते हैं तो भाई बिल्कुल ही वो 4 दिन की चांदनी वाली जो कहावत है ना, मतलब एक दिन की भीड़ और बाकी दिन पूरा ही खाली नैनीताल शहर, ऐसा ही कुछ है। लेकिन लेक में देखें तो काफ़ी बोट्स दिख रहे हैं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं बोटिंग एंड ऑल। और ये पूरा ही जो एरिया है बोट स्टैंड वाला, इधर यहाँ पर को बोट बन भी रही है, देखो नीचे एक और नई बोट तैयार हो रही है। इधर को ड्रेसेस पहन के फ़ोटो वोटो भी काफ़ी लोग खींचते हैं। इस तरफ को तो थोड़ा बहुत क्राउड है ही, और इन नज़ारों के साथ भाई अपने आप को मंत्रमुग्ध कर सकते हो आप। बैंड स्टैंड के पास आ चुका हूँ, ठीक पीछे ही मेरे बैंड स्टैंड दिख रहा है। और अगर इस टाइप को घूम जाता हूँ तो यहाँ पर को ये पूरा ही चिल्ड्रंस गार्डन वाला एरिया है। कुछ टूरिस्ट हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, बाकी मेन क्या कर रहे हैं, वो मछलियों को खाने के ला रहे हैं। के लो एक हो जाता है ना, पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ की जो मछलियाँ हैं ना वो हिप्नोटाइज कर रही हैं यहाँ के टूरिस्टों को, मतलब जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं ना कि आओ आओ मुझे खाना खिलाओ, ऐसा ही कुछ है। और टूरिस्ट आते हैं और यहीं पर जितने भी शॉप्स हैं ना वहाँ से वो ब्रेड या बंद जो भी खरीदते हैं उसका उनको खिलाने लग जाते हैं, पता नहीं ऐसा ही कुछ है। और ये मछलियाँ मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये हाइब्रिड मछलियाँ हो चुकी हैं। यहाँ की मॉर्निंग भी अद्भुत होती है और यहाँ की भाई इवनिंग भी अद्भुत होती है। ये शहर अपने आप में अकल्पनीय है। खैर एस्थेटिकली ये शहर इतना ज़्यादा सुंदर है ना, आप किसी भी एरिया में खड़े हो यार, किसी भी मतलब पूरे मतलब ये 5 किलोमीटर्स के रेडियस में पूरा शहर फैला हुआ है। चाहे सामने ठंडी सड़क वाला एरिया है, सामने मॉल रोड भी है, ऊपर को हम चले जाते हैं तो उधर स्नो व्यू करीब है, पूरा ही बता देता हूँ मैं। तो ये पूरी चोटियाँ जो दिख रही हैं सामने, उधर को चाइना पिक है, कहीं कैमल्स बैग है, कहीं टिफिन टॉप है। तो पूरा ही हमने 360 घूम के वापस आ गए नैनीताल शहर की लेक के पास। तो यहाँ पर भीड़ होती है और होटल रेट्स सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। जितने भी लोग अभी 3-4 दिन में आए होंगे ना, उन्हें बहुत ज़्यादा होटल रेट्स मिले होंगे, लाइक 2000 से तो स्टार्टिंग ही मिली होगी, 2000-3000-4000। जितना ज़्यादा क्राउड होता गया होगा उतना ज़्यादा होटल रेट्स बढ़ते गए होंगे, यहाँ पर इस टाइप का रहता ही है। अब क्या है कि भीड़ भाड़ अब कम हो गई, मतलब आज थोड़ी सी थोड़ी और भीड़ है, कल थोड़ी और कम हो जाएगी, परसों थोड़ी और कम हो जाएगी, फिर दोबारा से जो होटल रेट्स हैं ना नॉर्मल हो जाएंगे। तो नॉर्मल डेज आने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। गुरुद्वारे के पास आ गया हूँ, यहीं से आगे को चल रहे हैं, सामने ही चाट पार्क, भोटिया मार्केट और तिब्बती मार्केट वाला एरिया पूरा ही, और इसी से आगे जाके माँ नैना देवी टेम्पल भी है। ये जो पूरा एरिया है बहुत ज़्यादा भाई टूरिस्ट से पटा रहता है, मतलब यहाँ पर तो तगड़ी भीड़ रहती ही है, लेकिन आज देखा जाए तो मतलब ठीक ही है उसके हिसाब से, मतलब इस 4-5 दिन के हिसाब से उस टाइप का क्राउड तो नहीं दिख रहा है शहर में। बट ये कि भाई ऐसा है, यहाँ पर क्या था, कुछ दिन पहले तो अजीब ही टाइप की भीड़ हो रही थी, जिससे यार मतलब कभी कभी ना भाई हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, लोकल लाइट्स भी अति भीड़ हो जाती है ना, उसके बाद भाई लोकल्स भी परेशान हो ही जाते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बिजनेस पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो 4-5 दिन रहे हैं वो तो भाई सभी ने मतलब खूब लुत्फ उठाया है देखा जाए तो, या खूब इंजॉय करा है, या सभी ने दबा के कमा रखा है, नहीं तो हर कोई बिजनेस को तरस रहा था इस शहर में।
मेरे जितने भी व्यूअर्स नैनीताल शहर आते हैं ना, उन सभी को तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर मंडे से फ्राइडे तक मैं आ जाऊँ। लेकिन फ्राइडे से भाई संडे तक यहाँ पर ऐसा अजीब सा माहौल हो जाता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। अगर आप शहर में बजट ट्रैवल करना चाह रहे हो इस ओर, तो यार ऐसा है ऑफ डेज में आकर यहाँ पर ज़्यादा फायदा रहता है। कार पार्किंग वाले एरिया में आ गया हूँ नैनीताल की मेन कार पार्किंग DSA फ्लैट्स के बगल में। सामने ही खूबसूरत मस्जिद दिख रही है, इसी के सामने पार्किंग वाला एरिया है। और अगर हम ऐसे घूम जाते हैं तो 180 सामने गुरुद्वारा और मंदिर, तो उसके सामने तो कार पार्किंग वाला एरिया। और इधर को अगर हम थोड़ा सा हो जाते हैं तो यहाँ से दिख पा रहा है क्या, फ्लैट्स ग्राउंड। तो मेन कार पार्किंग वाला एरिया यही है DSA फ्लैट्स के बगल में ही। और यहाँ पर को 118 रुपये करीब पड़ते हैं कार पार्क करने के, अगर ये वाली मतलब पार्किंग फुल हो जाती है तो। इसके बाद अल्टरनेट पार्किंग्स यहाँ पर बहुत सारी हैं। ऐसा है शाम होते होते ना ठंड का प्रकोप और ज़्यादा होने लग जा रहा है नैनीताल शहर में, तो भाई लेट नहीं तो 5-6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जा रहा है। आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हो गए, क्योंकि अगर मौसम इसी तरीके का रहा और आने वाले दिनों में बारिश पड़ी हफ्ते भर की तगड़ी, तो स्नोफॉल हो जाएगी। अभी तो लग नहीं रहा कि दिसंबर में ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ ठंड बढ़ने लगी है। अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हो तो गर्म कपड़े जरूर लेकर आना। घूमते घूमते हम आ चुके हैं गाड़ी पड़ाव वाला एरिया। यहाँ पर कुछ नॉनवेज के अच्छे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो दिल्ली दरबार, अल करीम रेस्टोरेंट, और यहाँ पर और बहुत से ऐसे हैं कि मतलब अनगिनत रेस्टोरेंट हैं, शेर पंजाब से लेकर पता नहीं कौन कौन से नाम हैं अंदर अगर जाओगे तो। अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हो और नॉनवेज खाना पसंद है तो सामने ही मस्जिद है, उसके थोड़ा सा ऊपर को आओगे। और ये एक लोकेशन और बता दे रहा हूँ, खड़ी बाज़ार, ये मल्लीताल वाला एरिया है। इसी एरिया में ऊपर को जाके और अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, ये भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं। मॉल रोड की शुरुआत में आ गया हूँ। ऐसा होता है देखो, शाम को ना 6 बजे से 8 बजे तक मॉल रोड बंद होती है 4-व्हीलर्स एंड 2-व्हीलर्स के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, जितने भी टूरिस्ट हैं लोकल जैसे सब आराम से बेफिक्र होकर आराम से घूम सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या है कि अभी है 2-3 घंटे हैं फिलहाल अभी 6 बजने में, तो तब तक क्या है कि 6 बजे तक मुझे पता है टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, 10 डिग्री या 9 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। हल्के हल्के हर एक घंटे में ना 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, पर लास्ट जो आ रहा है वो 5 डिग्री तक जाता है। तो ठीक है, हल्के हल्के ठंड बढ़ते जा रही है। जो हल्की फुल्की भीड़ भाड़ होगी वो शाम को ज़रूर होगी ऐसा लग रहा है, अंदेशा लग रहा है, क्योंकि कुछ टूरिस्ट तो रुके ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई चला गया है नैनीताल से, मतलब जो कल घूम रहे थे वो मतलब 2-4 लोग ऐसे भी है, मतलब 100 में से 60-70% ऐसे भी होंगे कि जो रुके हों, या ऐसे भी होगा 40% होंगे जो रुके हों, 60% चले गए हों। तो वो लोग जो रुके होंगे वो शाम को शायद निकलेंगे घूमने के लिए। चलो फिर ठीक हो गया, आज का माहौल भी हमने देख लिया है पूरा शहर में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो इट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना जरूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।